हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो जो है उसको बनाने का मेरे को बिल्कुल मन नहीं था, बट आज मैं एकदम छोटी सी वीडियो बना के आपको समझाने वाला हूँ क्या सीन है। और वीडियो बनाने का मन इसीलिए नहीं था कि जिस चीज की बात कर रहा हूँ उसको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, और वो चीज है इम्यूनेटर बाईपास। अभी कुछ लोगों को पता होगा इम्यूनेटर बाईपास क्या है, और कुछ लोगों को पहली बार सुना होगा ये चीज क्या, ये टर्म पहली बार सुनी होगी। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ इम्यूनेटर बाईपास क्या होता है। तो जब आप पीसी से फ्री फायर खेलते हो तो आपको एक लॉबी में साइन दिखता है पीसी का, जिससे पता चलता है सामने वाले बंदे को कि ये पीसी प्लेयर है, और आपको पता चलता है कि आपने इम्यूनेटर से लॉग इन किया हुआ है। और आपको याद हो तो 4-5 महीने पहले एक अपडेट आया था पीसी प्लेयर्स को लेकर, वहां पे उन्होंने मैच मेकिंग फिक्स की थी कि अगर पीसी पे बंदा खेल रहा है तो सामने भी पीसी प्लेयर ही आएगा। और उस अपडेट के बाद पीसी प्लेयर्स की तो ऑलमोस्ट 1 महीने तक कोई भी मैच नहीं लग रही थी, ना सीएस रैंक लग रही थी, ना बीआर रैंक, कुछ भी नहीं लग रहा था। बट उसके बाद गरेना ने कुछ फिक्स किया और उसके बाद सीएस रैंक पीसी प्लेयर्स की लगने लग गई। बट अभी भी टिल डेट 4 महीने के बाद भी बीआर रैंक पीसी प्लेयर्स की अभी भी फिक्स नहीं हुई है, अभी भी पीआर रैंक पीसी प्लेयर्स नहीं खेल पाते। अगर आप पीसी प्लेयर और बीआर रैंक चालू करते हो तो पहले अलाइव जो बंदे होते हैं वो 32 आएंगे, 50 होते हैं नॉर्मली, बट आपको 50 प्लेयर्स नहीं दिखेंगे, आपको 32 प्लेयर्स दिखेंगे, और उसमें भी मोस्टली जो होंगे वो बॉट होंगे। और इसी वजह से बीआर रैंक पीसी प्लेयर्स ने खेलना छोड़ दिया। मैंने खुद भी 4 महीने से नहीं खेला है। और जो ये इम्यूलेटर बाईपास की जो मैं अभी बात कर रहा था, उससे क्या होता है, आपका जो पीसी का साइन होता है जिससे आप लोग इम्यूलेटर पे लॉग इन करते हो और पीसी का साइन दिखता है, वो साइन हट जाता है। और फ्री फायर को क्या लगता है, भले ही आपने पीसी से लॉग इन किया है, इम्यूलेटर से लॉग इन किया है, बट फ्री फायर को लगता है कि आप एक फोन प्लेयर हो, आपने फोन से लॉग इन किया है, तो आप लोग आराम से बीआर रैंक खेल पाओगे पीसी के अंदर। और उसके बाद जो इम्यूलेटर ब्लॉक वाले कस्टम होते हैं उसमें भी तुम एंटर कर पाओगे बिना किसी झंझट के। और दूसरी एक चीज है, अगर आप कोई ग्रुप में जाते हो और वहां पे सब लोग दूसरे बंदे खड़े हैं तो उनको लगेगा आप एक फोन प्लेयर हो, आप एक पीसी प्लेयर नहीं हो। सेम टू सेम चीज कस्टम में होती है, कस्टम में दूसरे प्लेयर्स उनको लगेगा आप एक फोन प्लेयर हो। और अभी मैं आपको रीजन देता हूं कि मैं ये चीज को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि मैं अभी इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूं। तो आप लोग क्लासिक फ्री फायर को तो जानते ही होंगे, उन्होंने 2-3 दिन पहले स्ट्रीम किया था, उन्होंने उस स्ट्रीम में यही चीज यूज की थी इम्यूलेटर बाईपास वाली, और उसके बाद उन्होंने ऐसे फोन प्लेयर की तरीके से खेला था। तो उनकी स्ट्रीम के बाद बहुत सारे बंदों ने मेरे पे आके कमेंट किया कि क्लासिक भाई ने क्या यूज किया है, हमको भी ऐसे खेलना है, हमको भी बीआर रैंक खेलनी है। सारे डिस्कॉर्ड पे सारे मैसेज आने लग गए, इंस्टाग्राम पे आए थे, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में आए थे। तो पहले मैंने उनकी स्ट्रीम देखी नहीं थी, तो मैंने क्लासी भाई को मैसेज किया और पूछा कि भाई क्या सीन है, आपने यूज किया है कि नहीं, क्योंकि ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। तो मैंने उनको जाके पूछा कि आपने इम्यूलेटर बाईपास वाला यूज किया है कि नहीं, तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि हाँ भाई मैंने यूज किया, और स्ट्रीम में मैंने ये चीज बताई थी कि मैंने इम्यूलेटर बाईपास यूज किया है। अब वो उनकी मर्जी है, उनको यूज करना है या नहीं करना, उनको लग रहा है ठीक है यूज करना हो सही है, सबका ओपिनियन अलग होता है, ठीक है, उनका ओपिनियन अलग होगा, मेरा ओपिनियन अलग है। तो मेरा कुछ और ओपिनियन है इसके ऊपर, और मैं ये पहले ही बता रहा हूँ कि ये क्लासिक अगेंस्ट वीडियो नहीं है, हमने पहले ही बात कर रखी है, आराम से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो कोई कॉन्ट्रोवर्सी मेरे को नहीं चाहिए कि भाई मैंने इनके अगेंस्ट वीडियो बनाई, ये है वो है। मैंने क्लासिक का नाम मेरी वीडियो में भी इसीलिए लिया है क्योंकि उसके बाद ही सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्लासिक का नाम लिया है, बट कॉन्ट्रोवर्सी वीडियो भी बिल्कुल नहीं है ये। तो अब मैं बताता हूँ कि मेरा ओपिनियन क्या है इम्यूनेटर बाईपास के ऊपर। सबसे पहली बात, मेरे पास 2 रीजन है, तो उसमें से सबसे पहला रीजन है आपका आईडी का रिस्क। जितना रिस्क अपने ऑटो हेडशॉट या ऑटो एम वाला पैनल यूज करने में है, इतना ही रिस्क इम्यूलेटर बाईपास करने में भी है, कि दोनों चीज पैनल से ही वर्क करती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इम्यूलेटर बाईपास वाली जो चीज है वो भी एक पैनल है। तो जो आईडी बैन का रिस्क है वो सेम टू सेम है, ऑटो हेडशॉट वाला पैनल यूज करो या फिर इम्यूलेटर बाईपास वाला पैनल यूज करो। और दूसरा रीजन ये है कि मैं नहीं चाहता कि मैं मोबाइल प्लेयर बन के खेलूं मोबाइल प्लेयर्स के सामने, जबकि मैं सही में तो पीसी पे खेल रहा हूँ। अगर मैंने इम्यूलेटर बाईपास करके रखा है उसके बाद मैं सीएस रैंक चालू करता हूँ तो सामने चारों चार जो प्लेयर होंगे वो मोबाइल प्लेयर होंगे, तो मैं उसको फेयर नहीं समझता। क्योंकि अभी कैसा है, अगर मैं पीसी पे खेल रहा हूँ और सामने सीएसआर में बंदे आते तो वो भी पीसी प्लेयर्स आएंगे, तो फेयर होता है और बड़ा मजा आता है खेलने में, क्योंकि कॉम्पिटिशन रहता है। और रही बात बीआर रैंक की, तो बीआर रैंक खेलने का मन मुझे जितना है उतना शायद ही किसी को होगा। अगर मेरी पुरानी मोंटेजेस देखोगे जिसमें आप लोग पीसी पे बीआर रैंक खेल पाते थे, तो सारी की सारी मेरी सोलो वर्सेस स्क्वाड्स की क्लिप थी, क्योंकि मुझे सोलो वर्सेस स्क्वाड ही खेलना पसंद था, तब मैं सीएस रैंक बिल्कुल नहीं खेलता था। बट जब से बीआर रैंक बंद हो गया तब मैं सीएस रैंक खेल रहा हूँ, बट उसका मतलब ये नहीं कि मैं भी इम्यूलेटर बाईपास लगा लूं बीआर रैंक खेलने के लिए। बट सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, सबका ओपिनियन होता है, ठीक है। तो मेरा ओपिनियन ये है, और अगर मैं ऐसा भी बोल लूं कि मत लगाओ तो ऐसा तो है नहीं, सब लोग मान जाएंगे नहीं लगाना है। मैंने तो पैनल में भी ना बोला था कि पैनल यूज मत करो, फिर भी सब लोग यूज करते ही है ना, तो मेरे बोलने से इतना कुछ फायदा होने वाला नहीं है। बट फिर भी कुछ लोग हैं जो मैं बोलता हूँ वो सही से फॉलो करते हैं, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि ये सब मत यूज करना, ठीक है। मैं तो इसके खिलाफ हूँ, फिर भी आपको यूज करना है तो मैं कोई रोकने वाला हूँ नहीं, आपको यूज करना है तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और आगे से भी ऐसी कोई उल्टी सी चीजें होगी तो मैं उसके ऊपर वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला, ठीक है। तो भाई रिक्वेस्ट करके फायदा ही नहीं, कहीं भी कमेंट करके फायदा नहीं, क्योंकि मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाने वाला। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, कुछ खास नहीं था। ये तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे हर जगह पर, तो मैंने सोचा एक बार बता ही देता हूँ वीडियो बनाना, क्योंकि भाई ऐसे सब मेरे पर रिक्वेस्ट मत करो, मैं इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।